हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और नए तरह की डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने दो कलर में बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने वाइट और ये रानी कलर का यूज़ किया हुआ है। इसमें मैंने जो वाइट कलर है हमारा, ये हमारा बेस कलर है, और इससे मैं जो हूँ डिज़ाइन डालूंगी। इसकी मैंने छः लाइनें जो हैं से छः सलाइयाँ चला ली हैं। उसके बाद किस तरह से जो है डिज़ाइन दी जाएगी वो आपको बता रही हूँ। ये हम धागा लेंगे जिस कलर का भी आपको लेना है उस हिसाब से, और इस तरह से इसको हम बिनेंगे। इसको खींच करके जो है हमें बिनना है। देखिए इस तरह से जो है हम सारा इसको बिन लेंगे। इस तरह की डिज़ाइन मैंने आपको पहले भी बताई है किस तरह से इसको बिना जाएगा। ये हम बिन लेते हैं, लास्ट तक ऐसे ही बिनेंगे। फिर क्या करना है आगे मैं बताऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। इस तरह से बिनते चले जाएंगे। ये बिन गया है, अब इसको हम इस तरह से खींच देंगे। ये आ गई हमारी। अब ये वाले ट्रांसफ़र टूल लेंगे हम, और फंदे जो हैं इधर से उधर हम ट्रांसफ़र करेंगे किस तरह से। अब ये ट्रांसफ़र टूल लिए मैंने, यहाँ से फंदा निकाला। जैसे हम मोड़ वाली डिज़ाइन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ से फंदा निकाला और यहाँ से फंदा निकाला, तीन फंदे निकाले हमने। ये हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिए और ये वाले फंदे इधर ट्रांसफ़र कर दिए। इसी तरह से फिर यहाँ से हम तीन फंदे निकालेंगे और इधर से तीन फंदे निकालेंगे, ये इधर और ये। इसी तरह से जो है आपको फंदे निकालने हैं और इधर से उधर जो है वो ट्रांसफ़र करने हैं। ये फंदा इधर डाल दिया और ये फंदा हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बेस कलर है वाइट कलर उसको हम लगाएंगे और ये निडल आगे की साइड कर देंगे जिससे चलाने में आसानी रहे। अब क्या करना है, छह बार जो है हम इसको चलाएंगे कैरेट को। एक, दो, चार, पाँच, छः। छः बार चलाने के बाद फिर से वही प्रोसेस करना है जैसे हमने नीचे बिना था बिल्कुल वैसे ही बिनना है, और फंदे जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र करने, फिर छः सलाइयाँ चलानी है। यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और आपकी डिज़ाइन किस तरह से बनकर आएगी ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये आपकी डिज़ाइन बनकर आई है।